everyone. Welcome to NIOS Vision Point. My name is Khushbu Agrawal and I'm your business studies trainer. Today we are going to start with business studies. Business. हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट बिज़नेस की थ्योरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बिज़नेस कैसे होता है, बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस में कितने तरीके के रिस्क होते हैं, कैसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं. तो ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेगमेंट विच इज़ फर्स्ट चैप्टर. आई विल टेल यू चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस. In this chapter, we are going to study introduction about human activities, then we are going to study types of human activities, then we are going to study economic and non-economic activities. After that, I'm going to tell you about difference between economic activities and non-economic activities. And last segment would be test yourself, which is very important, because after studying all these topics, I'll discuss with you some questions जो कि exams में आ सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और आप खुद से भी ये questions answer कर सकते हैं. So let's begin. Okay, let's start with introduction to human activities. If you look at the heading, अगर आप heading की तरफ देखें तो heading क्या बोल रहा है? Human activities. अगर आप अपने आसपास देखें, हम खुद को भी देखें, तो जो humans होते हैं वो किसी न किसी activities में क्या होते हैं? Involve होते हैं. अगर हम रोज़ देखें, कोई पढ़ा रहा है, right? कोई कुछ काम कर रहा है. जैसे मैंने कुछ फोटोज़ लगाई यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी, टीचर टीच कर रही है, पढ़ा रही है, फार्मर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, राइट, वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स कैब चला रहे हैं, शॉपकीपर्स बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, राइट. सो अगर हम आसपास अपनी सराउंडिंग में देखें तो हर ह्यूमन किसी न किसी एक्टिविटी में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, राइट. So when we look around us, we observe that most of the people are engaged in various activities. तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि mostly लोग किसी ना किसी activities में क्या है? Engaged है, मतलब कोई ना कोई काम कर रहे हैं. Teachers teach in the schools, teachers school में पढ़ा रहे हैं, farmers field में काम कर रहे हैं, workers factories में काम कर रहे हैं, drivers cab vehicles drive कर रहे हैं, shopkeepers goods sell कर रहे हैं, right? And doctors patient attend कर रहे हैं. So in this way people are busy during day and sometimes even at night. कुछ लोग day, बहुत से लोग day में काम करते हैं, कुछ लोग रात में भी काम करते हैं, right? Night shifts भी करते हैं. Now the question arises as to why we all keep ourselves busy. क्या हमें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता? हम क्यों अपने आप को इतना busy रखते हैं? हम क्यों कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, right? द आंसर इज टू सेटिस्फाई आर वॉन्ट्स. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर ह्यूमन किसी न किसी एक्टिविटी में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है. एन एक्टिविटी परफॉर्म बाई अ ह्यूमन बींग. सो वो एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है टू मीट हिज वॉन्ट्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी. उसको हम क्या बोलते हैं? Human activity बोलते हैं, right? Some of the human activities are performed to earn money, while some are undertaken to achieve personal satisfaction. अब जो human beings activities perform करते हैं, mostly जो activities perform होती हैं वो क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, earn money, right? और कुछ activities ऐसी होती हैं जिससे हमें क्या मिल रहा होता है? सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा होता है. सो सम ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अर्न मनी. कुछ एक्टिविटीज पैसे कमाने के लिए की जाती, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, खुशी मिल रही हो. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़, अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर इंगेज इन सम एक्टिविटी और द अदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स. सो हर इंसान किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को क्या कर सके? पूरा कर सके, राइट.
डिपेंडिंग ऑन वॉन्ट्स, तो अपनी जरूरतों पे डिपेंड होके ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, विच इज इकोनॉमिक एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक. नाउ लेट्स चेक इट आउट एग्जैक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक वर्ड आते ही सामने आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए, इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, मनी. सो कोई भी एक्टिविटीज जो हम विद द ऑब्जेक्टिव हम परफॉर्म करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं, राइट. जैसे मैंने स्टार्टिंग स्लाइड्स में दिखाया था, फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करता है ताकि उसको क्या कर सके, सेल कर सके, राइट. सेल करेगा तभी पैसे कमाएगा, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में. मदर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं, उसके साथ साथ वो बाहर से भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं घर पे, वो उसको फीस पे कर रहे हैं मदर को, तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. अ फैक्ट्री और ऑफिस, एम्प्लॉयज वर्क एंड गेट वेजेस और सैलरीज. फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में वर्कर्स एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलती है, सैलरीज मिलती है, वेजेस मिलती है, राइट. तो दिस एक्टिविटी विल बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस पर्सन क्या करता है, बिजनेस अपना रन कर रहा होता है ताकि वो क्या अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट. सो कैसे, बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. सो दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो जस्ट अ क्विक रिविजन अगेन, human activities are divided into two parts. First is economic and the second is non-economic. Economic means money, right. तो जो भी activity हम perform करते हैं पैसे earn करने के लिए, उसको हम किस category में डालते हैं, economic activities. Okay, so next is non-economic activities. So non-economic activities, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते ही हम ना याद हम दान पेटी में पैसे डालते हैं या भगवान को चढ़ावा देते हैं, राइट. या हम किसी गरीब को पैसे देते हैं, मस्जिद जा रहे, दरगाह जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं चैरिटी करते हैं कुछ ना. क्या किसी ने हमसे मांगा, क्या मंदिर में बोला गया कि आप हमें पैसे दे के ही जाइए, क्या भगवान जी ने हमसे बोला कि हमें पैसे चाहिए, नहीं. बट हम ऐसा क्यों करते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं, हमें ये चीज़ क्या कर रही होती है, सेटिस्फाई कर रही होती है, राइट. तो जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं मेंटली, जो हमें साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करती है, इमोशनली सेटिस्फाई करती है, जैसे एक मदर अपने घर में बच्चों के लिए खाना बना रही है, तो ये क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो खुशी से ये काम कर रही है. कोई फादर अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं घर पे बोर्ड्स के लिए, तो वो ये क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक कहलाएगी, क्योंकि वो अपनी खुशी से ये काम कर रहे हैं. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स. तो जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, हमारी सोशल नीड्स को फॉलो करती है, सोसाइटी में जो हमें रहना है, करना है, वो नीड्स, हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स को फॉलो करती है, हमें मेंटली सेटिस्फाई करती है, हमारी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल विजिटिंग प्लेसेज ऑफ वर्शिप, राइट. लोग मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या, इनसे उनको शांति मिलती है, साइकोलॉजिकली वो सेटिस्फाई होते हैं. प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड एंड अर्थक्वेक. अगर कहीं बाढ़ आई है, अर्थक्वेक आ गया है, तो वहाँ के जो विक्टिम्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, रिलीफ फंड्स प्रोवाइड करते हैं, हम चैरिटी करते हैं, हम पैसे पहुँचाते हैं, खाना देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम दिल से उनकी क्या कर सके, मदद कर सके, राइट. गार्डनिंग, हम अपना गार्डनिंग में टाइम स्पेंड करते हैं, लिसनिंग टू रेडियो, वॉचिंग टेलीविजन, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, नॉन इकोनॉमिक के, जो हम अपने फ्री और लेजर टाइम में करना चाहते हैं, जो हमारी सोशल, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी इमोशनल नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है. इससे हम क्या फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं. एंड दीज थिंग्स आर नॉट डन फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, हम पैसे कमाने के लिए ये काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड.
लेट्स सी बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. वैसे आपको डेफिनेशन में समझ में आ गया होगा, बट मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में समझाया कि किस बेसिस पे हम एक एक्टिविटी को इकोनॉमिक कहते हैं और किस बेसिस पे एक एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक कहते हैं. सो क्विकली, हम जो भी एक्टिविटी विद द एम ऑफ अर्निंग मनी होती है, कोई भी एक्टिविटी जिसका मेन एम क्या होता है, पैसे कमाना, दैट एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट इफ द एक्टिविटी इज परफॉर्म विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, वो एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारा मोटिव पैसे कमाना नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं. जस्ट टेक अ लुक, विद द एम ऑफ अर्निंग मनी हमारा इकोनॉमिक में मेन मोटिव क्या है, पैसे कमाना. बट नॉन इकोनॉमिक में हमारा मोटिव पैसा नहीं होता है. क्या होता है, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, हमारा मोटिव क्या होता है? हमें इमोशनल नीड्स को पूरा करना होता है, हमें साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना होता है, हमें अपनी सोशल नीड्स को पूरा करना पड़ता है. ये चीजें हमें सेटिस्फाई करती हैं, खुश करती हैं. ओके, सो ऐसा बोर्ड आपने नॉर्मली क्रिकेट मैचेस की टीम में देखा होगा जब दो टीमों के बीच का हम दिखाते हैं वर्सेस. बट आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. स्टूडेंट्स, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, जो हमारा बिजनेस है इसमें डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें डिफरेंशिएट पूछा जाता है. इसको भी करने का एक तरीका है, आई टेल यू. इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, मैंने यहाँ पे थ्री कॉलम्स बनाए हैं. फर्स्ट इज ऑफ बेसिस, सेकेंड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, जिनको हमें डिफरेंशिएट करना है. ना ये जो बेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे एग्जाम में क्या हो सकता है, आपको बेसिस दिया जाए, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, पर्पज एंड ड्यूरेशन. अगर आपको ये तीन हेडिंग दे दी गई है तो आपको इसी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है. आप अपने आप कुछ और नहीं लिख सकते, आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिस जब आप डिफरेंशिएट पढ़ो, याद करो, तो आपको बेसिस पता होना बहुत ज़रूरी है, किस बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो हम परफॉर्म करते हैं टू अर्न अ लाइवलीहुड, अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए, जीने के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी है जो हम लव, सिंपति, सेंटिमेंट्स, पेट्रियाटिज्म, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जिन चीज़ों से हमें प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, हम सिंपैथेटिक फील करते हैं. अब जैसे जो आर्मी में लोग हैं या जैसे हमारे देशभक्त लोग थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो क्यों दी, क्योंकि वो अपने देश से क्या करते थे, प्यार करते थे, पेट्रियाटिज्म था वहाँ पे, राइट. तो उन्होंने अपनी खुशी से अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देन पर्पज, मेन पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न मनी. हम क्यों करते हैं ये एक्टिविटी, ताकि हम पैसे कमा सकें, ताकि हम अपनी सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें. एंड यहाँ नॉन इकोनॉमिक में क्या है, हम अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है. ड्यूरेशन, ना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो रेगुलरली परफॉर्म होती हैं एंड फॉर द मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ, मतलब अपनी एक जिंदगी का हिस्सा कह लीजिए, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में निकाल देते हैं. लोग रेगुलरली काम करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना लाइफ जी सके, राइट. एंड बेसिकली अगर हम बात करें ओल्ड एज की, ओल्ड एज में अगर इंसान नहीं काम कर पाता तो वो अगर जॉब कर रहा है रिटायर हो जाता है, या अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके जो बच्चे हैं या कोई और टेक ओवर कर लेता है. सो अगर ओल्ड एज है तो डेफिनेटली लोग वहाँ पे नहीं काम कर पाते उतना. बट अगर हम उसके अलावा बात करें तो डेफिनेटली एक ज़िंदगी पूरी निकल जाती है लोगों का काम करते हुए. नाउ नॉन इकोनॉमिक, दे आर परफॉर्म ड्यूरिंग द लेजर और स्पेयर टाइम. जो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये हम अपने खाली समय में, जिसका बहुत लिमिटेड टाइम होता है आज की लाइफ में लोगों के पास, उस समय में हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ठीक है, नाउ बेनिफिट क्या होते हैं अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के, मनी एंड वेल्थ, पैसे बढ़ेंगे और वेल्थ बढ़ेगी, राइट. सेल्फ सेटिस्फैक्शन, नॉन इकोनॉमिक में हमें क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद से खुशी मिलती है, सेटिस्फाई फील करते हैं.
एग्जाम्पल्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, सपोज अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहे होंगे, वेजेस मिल रही होगी, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड सपोज अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, एक बॉय, एक कोई मैन था, उसको वो क्रॉस रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, तो ये उसके बदले में उससे पैसे तो नहीं मांगेगा रोड क्रॉस करा के, अब मुझे पैसे दो, राइट. सो ये एक्टिविटी किस में जाएगी आपके, नॉन इकोनॉमिक, जो आप अपनी खुशी से अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं. नाउ द टाइम फॉर टेस्ट योर सेल्फ. हमने अभी जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है वो और क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा. ओके, सो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो अब हम क्या करेंगे, आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस, आपको ये बताना है कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक में आती है कि नॉन इकोनॉमिक में आती है. ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. अ मदर कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन, अभी हम बस मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको. अ मदर कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन, आप आंसर लिखते जाओगे. अ टीचर टीचिंग इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है. अ स्टूडेंट प्रेइंग इन टेम्पल फॉर गुड मार्क्स इन टेस्ट, एक स्टूडेंट टेम्पल में जाके प्रे कर रहा है कि मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए. देन डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स एट हिज क्लिनिक, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है अपने क्लिनिक में. एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग, एक लेडी सत्संग अटेंड कर रही है. अ पर्सन टीचिंग हिज डॉटर फॉर हर बोर्ड एग्जाम, एक पर्सन अपनी बेटी को बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है. सो क्विकली, सबके दिमाग में आई थिंक आंसर्स आ गए होंगे, सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट देखते हैं, अ मदर कुकिंग फूड फॉर चिल्ड्रन. सो एक मदर अगर अपने चिल्ड्रन के लिए फूड बना रही है तो डेफिनेटली उसका मोटिव क्या पैसे कमाना होगा, नहीं होगा, राइट. सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अ मदर कुक्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वो प्यार से ममता से वो फूड बनाती है एंड नॉट विद अ मोटिव टू अर्न अ प्रॉफिट, उसका उस वहां पे कोई भी मोटिव नहीं होता है कि वो पैसे अर्न करेगी. सेकेंड, अ टीचर टीचिंग इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे मैं एक पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, सो मेरा भी मोटिव क्या होगा, आई एम नॉट डूइंग चैरिटी, राइट, मैं भी पैसे के लिए काम करूँगी, राइट. सो अगर कोई टीचर कोचिंग पढ़ा रहा है तो उसके बदले में वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, सैलरी या फी, जो भी उसकी सैलरी एक्सपेक्ट करेगा. सो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है, टू अर्न इनकम, नॉट एग्जैक्टली मेरा, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसका मोटिव क्या है, टू अर्न इनकम. अ स्टूडेंट प्रेइंग इन टेम्पल फॉर गुड मार्क्स एंड टेस्ट, भगवान से जाके प्रे कर रहे हैं एग्जाम से पहले कि मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए. सो डेफिनेटली यहाँ पे भी मोटिव हमारा पैसे कमाना नहीं है, एक डर है एक उसकी वजह से हम जा रहे हैं. सो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक बोलेंगे. डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स एट हिज क्लिनिक, डॉक्टर अगर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है तो उसके बदले में वो हमसे क्या लेते हैं, फीस लेते हैं, राइट. उनका मोटिव क्या है यहाँ पे, टू अर्न मनी, तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग, ये क्या है, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि एक लेडी सत्संग क्यों जा रही है, क्योंकि उससे उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. अ पर्सन टीचिंग हिज डॉटर फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि वो उसको घर पे पढ़ा रहा है, वो खुद ही पढ़ा रहा है डेफिनेटली, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी डॉटर को खुद पढ़ा रहे ताकि अच्छे मार्क्स आ सके, उनका मेन मोटिव ये नहीं है पैसे कमाना, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक. सो With this, we'll complete the part one of this chapter. So, हमने आज पढ़ा human activities. Then we have studied that human activities divided into two parts, which is economic and non-economic. Then we have studied कि economic मतलब money, non-economic मतलब अब हम जो psychological, emotional needs को पूरा करने के लिए करते हैं जो काम वो होता है. And then we have studied difference and we have done few questions. So, that's all for today in this part one. In case of any inquiry, you can call at this number or you can visit our website which is mentioned here. If you have any issues, you can note this down, and if you have any queries, you can contact in this number or website. Thank you so much.